بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرين مجلس قابل عزة واحترام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی زندگی میں وہ تمام نعمتیں آپ کو ملیں، میسر آئیں، آپ انہیں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کی ہیں. کہانی مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے دیکھیں، میرا اعتراف کریں اور میری صفات کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک اللہ واحد مالک، تمام دنیاؤں کا مالک سمجھ کے میرا اقرار کرے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی مخلوق کو ہر وہ شے فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلی تخلیق جنات کی ہوئی. جنات کی تخلیق میں جب الہی قانون کی بے حرمتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی حاکمیت کو نامنظور فرمایا اور آدم کی مملکت قائم ہوئی. اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. تمام آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی تعریف میں
पूरी दुनियाओं के समंदर रोशनाई बन जाए और पूरी दुनियाओं के दरख्त कलम बन जाए और अल्लाह ताला की सिफात को, अल्लाह ताला की तारीफ को, अल्लाह ताला की हाकमियत को लिखा जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला के कायनात के कवानीन बाकी रहेंगे। जिन्नात की दुनिया में जब फसाद बरपा हुआ तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी नियामत और खिलाफत, आदम अलैहिस्सलाम को मुंतकिल फरमाई और ये इरशाद हुआ जो कुछ बयान किया है उसमें शक और उसमें किसी किस्म का इल्यूजन नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और आदम के अंदर अल्लाह ताला ने जिंदगी दाखिल की यानी अल्लाह ताला ने अपनी रूह में से उलूम मुंतकिल कर दिए। उन उलूम में जब आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, उलूम सीख लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको अपना नायब मुकर्रर कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत, नियाबत और अल्लाह ताला के वो उलूम जो पूरी कायनात का अहाता करते हैं वो मुंतकिल हो गए। इसको आसमानी किताबों में आखिरी किताब कुरान करीम में वजाहत के साथ बयान किया है। जब आदम अलैहिस्सलाम को तकमील के दर्जे में अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाया तो फरिश्तों ने ये कहा कि ये खून खराबा और फसाद बरपा करेगा। फरिश्तों ने कहा तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया जो इल्म मैंने तुझे सिखाया है वो बयान करो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो उलूम बयान किए तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि हम तो इतना ही जानते हैं जितना इल्म आपने हमें अदा फरमाया है। तो अब आदम अलैहिस्सलाम का दर्जा नियाबत और खिलाफत का हो गया। फिर आदम व हव्वा के हवाले से तख्लीकात का अमल शुरू हुआ और तख्लीकात के अमल में मेल फीमेल का सिलसिला शुरू हुआ
और बढ़ते 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 ये सारी दुनिया सामने आ गई। अब अगर हम गौर करें तभी वो कहा जाएगा कि आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, अपना तारुफ अल्लाह ताला ने कराया और अपनी सिफात के उलूम अता फरमाए और उसके बाद नसल दर नसल मखलूकात का सिलसिला शुरू हो गया। अब इस बात को समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। हमारे दादा नाना भाई बहन जितने भी रिश्ते हैं वो रिश्ते शुरू होते हैं आदम और हव्वा से। इसकी तफसीलात आसमानी किताबों और कुरान करीम में मौजूद है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप, मैं और हॉल में ये जितने हजरात बैठे हुए हैं, बच्चे बूढ़े जवान, ये सब आदम व हव्वा की औलाद है। आदम व हव्वा की औलाद है इसका मतलब ये हुआ कि आदम व हव्वा हमारे अब्बा अम्मा नाना नानी दादा दादी के रिश्ते से हमारे बड़े हैं और नस्ल के एतबार से हम सब आदम व हव्वा की औलाद हैं। यानी हम सब आदम के रिश्ते से आपस में बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दादा नाना हैं और ये खानदान चलते चलते जमीन के ऊपर आबाद हो गए और जमीन पर आबाद होने के बाद अल्लाह ताला ने ये इल्म सिखाने के लिए हमारे गद्दी अमजद हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उलूम सिखाए। वल्लमा आदम अस्मा कुल्ला के मेरे सिफात के जो इल्म है वो सारे उलूम मैंने आदम को सिखा दिए। सुमारेगा और फिर जब हमने फरिश्तों से कहा कि अगर ये उलूम तुम जानते हो तो बयान करो, फरिश्तों ने कहा हम तो इतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखा दिया है। तो भाई मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नाना दादा, हर रिश्ते से मेरे बड़ों के जहन में ये बात महफूज रहनी चाहिए कि हमारी नस्ल के सरपरस्त आला हजरत आदम और हजरत हव्वा हैं। इस रिश्ते से हम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो उलूम अता फरमाए, जो कुर्बत अता फरमाई, जो हमें रिज़्क अता फरमाया, हमें नींद का तोहफा दिया और हमें दादा नाना बनाया,
उस रिश्ते से हम सब आपस में बहन भाई हैं, और हमारे जद्दे अमजद हमारे बड़े और हमारी नस्ल के सबसे बड़े अफराद दो हैं, आदम और हव्वा। अब कहीं गर्मी बहुत ज्यादा हुई, तपिश बहुत हुई, वहां रंग काले हो गए। गर्मी कम हुई, बर्फबारी हुई, मौसम ठंडा रहा, वहां रंग गोरा हो गया, सुर्ख हो गया, सफेद हो गया। ये मौसम के लिहाज से रंगों में तब्दीली वाकई हुई। अब लंदन का रहने वाला कोई बंदा, मेरा भाई भी है और मेरा ताया भी है, मेरा छोटा भी है, मेरा बड़ा भी है। अब जितने भी मखलूक है जो मर्दुम शुमारी के एतबार से बयान की जाती है, हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। आदम और हव्वा हमारे अब्बा अम्मा दादा नाना, यानी नस्ल के एतबार से हमारी जो शाख है और हमारा जो मर्तबा है और हमारी जो पहली पहचान है वो आदम और हव्वा है। आदम और हव्वा हमारे नाना भी हैं, दादा भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं। इस एतबार से जब हम गौर करेंगे, और जरूर गौर करना चाहिए कि हमारी नस्ल की बुनियाद क्या है, आदमी की नस्ल की बुनियाद क्या है, तो इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारे सबसे बड़े दादा नाना आदम है और हमारी सबसे बड़ी नानी हव्वा है। मोहतरम दोस्तों, इस बात पर आप गौर कीजिए, एक बाप के अगर 10 औलादें हो सकती हैं तो एक बाप की 1 करोड़ औलाद भी हो सकती है। तो इस एतबार से हम काले हों, गोरे हों, सुर्ख हों, सफेद हों, सब के सब आदम और हव्वा के रिश्ते से हम आपस में भाई भाई और बहने हैं, और भाई बहन के रिश्तों से हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी दादी नानी हजरत हव्वा हैं। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए निजाम को लोगों ने जमीन में दाना डाला, नए नए दरख्त उगाए, नई नई अजनास बनी, और इस रिश्ते को निभाने के लिए गर्मी सर्दी और अल्लाह ताला की दी हुई नियमतें अल्लाह ताला ने पैदा की, और ये सब नियमतें हमें मुयस्सर हुई जन्नत में। जन्नत में ये सारी नियमतें हमें मुयस्सर हुई। जन्नत में आदम और हव्वा रहते थे,
वहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारी जन्नत तुम्हारी है, इसमें हर शय तुम्हारी मिल्कियत है, इसमें फुहारे, इसमें नहरें, शहद की नहरें, बर्फ की पानी की ठंडी ठंडी पानी की तरह नहरें वगैरह वगैरह सब जो हैं ये तुम्हारे लिए हैं और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाए। शर्त सिर्फ एक है, वो शर्त ये कि एक जन्नत में लाखों दरख्तों की मौजूदगी में एक दरख्त है, बस इसके करीब नहीं जाना। करीब अगर आप जाओगे तो करीब जाने से यकीन की जगह इल्यूजन पैदा हो जाएगा, आपके अंदर शक पैदा हो जाएगा। आपके अंदर जो यकीन अल्लाह ताला ने दिया है, दाखिल किया है, उस यकीन में दरार आ जाएगी। और ये जन्नत ऐसा मकाम है कि यहां जो भी आबाद होगा या जो भी आबाद है, जरूरी है उसके लिए कि वो अल्लाह ताला की हुक्म हुदूदी ना करे, जो कुछ जिस तरह है उस तरह उसको समझे और अल्लाह ताला की किसी भी तरह नाफरमानी ना करे। आप सब औलाद जानते हैं, इसलिए सब आदम के औलाद हैं कि इसने इसकी नाफरमानी हुई और उस नाफरमानी की बुनियाद ये हुई कि उस दरस में जो बुनियादी शय है, ये बुनियादी अंसर है, ये बुनियादी उसकी मार्फत है, वो है उसका रंग बदलना। रंग बदलने का मतलब, अभी मैं देख रहा हूं कि सामने सुख रंग है, सुख रंग की अभी मैं तारीफ भी पूरी नहीं कर पाया तो नीला रंग हो गया। नीले रंग को मैं अभी देख ही रहा था तो सब्ज रंग हो गया। मकसद ये है कि उस दरख्त में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सिफत रखी है कि वो दरख्त हमा वक्त अपना रंग तब्दील करता रहता है। जब रंग तब्दील हुआ तो आदम ने कहा ये नीला रंग है। और फिर जब नीला रंग सफेद हुआ तो ख्याल आया ये सफेद रंग है। जब सफेद रंग गुलाबी हो गया तो कहा नहीं, ये सफेद नहीं गुलाबी है। नतीजे में इतनी ज्यादा रंगों में तब्दीली पैदा हो गई कि आलम अलैहिस्सलाम इस शक और शुबे की तरफ उनका जहन किया कि नहीं ये काला है, थोड़ी देर में ये नहीं है सुर्ख है, नहीं ये सुर्ख नहीं है, ये तो सब्ज है, सब्ज नहीं है भाई, ये तो काला है। तो इस बात में कि ये रंग मुख्तलिफ हैं,
उसके अंदर से यकीन में तब्दीली आ गई, दरार पड़ गई। कभी कहा ये सुर्ख है, कभी कहा ये नीला है, कभी कहा ये, आप सात रंग लें और सात रंग बल्ब रोशन करके उनको अलग अलग दिखाएं और लोग और पूछें लोगों से कि ये क्या रंग है, तो कहेगा साफ सुख रंग है। अभी वो सुख रंग की पूरी तारीफ भी नहीं कर पाया था कि उसका रंग नीला हो गया। वो कहा नहीं, ये नीला है। नीला रंग की तारीफ अभी उसने पूरी नहीं की थी तो वो रंग तब्दील होकर सब्ज हो गया। तो कहा नहीं नहीं, ये तो सब्ज रंग है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए, क्या आदमी के अंदर जो अल्लाह ताला ने यकीन कि दुनिया रोशन की थी वो कायम रही या उसमें तगय्युर और तब्दीली पैदा हो गई? आप गौर करें, दुनिया की हर चीज, आप उसको अच्छा भी कहते हैं, आप उसको बुरा भी कहते हैं, आप उसको खूबसूरत भी कहते हैं, आप उसको बदसूरत भी कहते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं तो आप उसकी बुराई भी करते हैं। ये सारा इल्यूजन का खेल जो है, ये जिस तरह दुनिया में मौजूद है, यही सूरत हाल क्या एक दस के 60-70 रंग मुस्तकिल आपस में तब्दील होते रहेंगे तो आपका यकीन एक रंग पर कायम रहेगा? तो एक ही बात आप सब हजरात फरमाएंगे, नहीं। इसलिए कि हर रंग अलग है, हर रंग के अंदर शौकी अलग है, हर रंग के अंदर चमक अलग है, हर रंग का जो तासुर दिमाग पर इंसान के पड़ता है वो अलग है। सुर्ख रंग को अगर आप मुसलसल देखते रहें, तजर्बा कीजिए, तो आपका दिमाग सुन हो जाएगा और आप वहां से हट जाएंगे। और अगर सुर्ख रंग के कमरे में किसी को मुस्तकिल चंद दिनों के लिए रख दिया जाए तो हो सकता है कि उसके दिमाग में फुतूर पैदा हो जाए। तो जब ये शक उधर आया और रंग की तारीफ नहीं रही, मतलब सुरख को उन्होंने कहा वाह बस बस ये सुरख है, अभी वो कहता है नीला है, नहीं 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 नीला नहीं, ये तो हरा है, नहीं हरा नहीं, तो ऐसी सूरत में आपके अंदर, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में यकीन की दुनिया रोशन होगी या उसमें शक और वसवसा पैदा होगा? मैं फकीर आदमी हूं, मेरा ईमान तो यह है कि जब बेशुमार रंग आपस में तब्दील होंगे तो हम रंगों की तारीफ बयान नहीं कर सकेंगे। ये तो हम कह सकते हैं कि रंग
तब्दील हो रहे हैं, लेकिन उस रंग का कोई एक नाम नहीं रख सकते। ये एक जन्नत में जो कुछ हुआ, जो मेरे बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, जन्नत में से हमसे नाफरमानी हुई, ये सबको पता है, हम दुनिया में आ गए सजा के तौर पर। अब यहां देखिए, दुनिया में किसी एक चीज के ऊपर आप नजर जमाइए, इस सजा के पलक न झपके और आंख का डेरा जो है वो हिले नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आप तजर्बा कीजिए इसका, आपके जहन में रंगों के अलावा बहुत सारी तस्वीर आ जाएंगी। इसका तजर्बा कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये तिल है, सफेद तिल है, तब्दीली होगी। दूसरी बात, आप कोई सफेद चीज मेज पे रख दीजिए, अब वो सफेद चीज को देखिए, लेकिन शर्त ये है कि आंख की पलक न झपके, आंख खुली रहे इस तरह बिल्कुल। अगर पलक झप गई तो ये अमल जो है पूरा नहीं हुआ। तो जब पलक नहीं झप गई तो वो जो नुक्ता है जो आपने सफेद बनाया, ये काला बनाया, ये नीला बनाया, उसके रंग इतने ज्यादा तब्दील हो जाएंगे कि आप उनको शुमार नहीं कर सकते। न सिर्फ रंग तब्दील होंगे, शक्लें तब्दील हो जाएंगी। आप तजर्बा कीजिए, ये क्या कहते हैं तसव्वुफ, रूहानियत जो है, ये उसका एक बिल्कुल पहला वो है कि आप मेज पे कोई एक रंग देख लीजिए जिसमें चमक भी हो, वो 3-4 फुट के फासले पर बैठ जाइए और उस रंग को देखिए इस तरह कि आपकी पलक न झपके। और 5 मिनट के बाद आप कागज कलम लेके वो सारी कैफियत लिख लीजिए जो आपकी नजरों के सामने तब्दीलियां हुई हैं, जो आपकी नजरों के सामने कभी दरख्त बन गया, कभी हैवान बन गया कोई, कभी आसमान बन गया, कभी सितारा बन गया, ये तजर्बा कीजिए। एक रूहानी एक मिसाल है। तो वो रंगदार दरख्त जो मुसलसल रंग तब्दील कर रहा है जन्नत में, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, आदम इस दरख्त के करीब गए और जब उन्होंने रंगों का अदल बदल देखा तो उनके अंदर एक किस्म का यकीन के अंदर थोड़ी सी दरार आ गई कि नहीं, ये सुरख नहीं है, ये तो नीला है। अब थोड़ी देर उसने और देखा तो कहने, ये नीला नहीं है, ये तो सुरख है। मेरे बहुत ज्यादा मोहतरम दोस्तों, हर मजहब मिल्लत के बहनों भाइयों, आप बताइए
क्या ऐसी सूरत में हम यकीन से कह सकते हैं कि ये कौन सा रंग है? इसका आप तजर्बा कीजिए, और तजर्बे के बाद जो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर नजर आए, अब वो जो जो आपके पास छोटा सा वो रखा हुआ है, वो आपकी स्क्रीन बन जाएगा बड़ी। उस पर जो कुछ आपको नजर आए वो याद रखिए, और याद रखने के बाद कागज पर लिख लीजिए कि पहला रंग ये था, और फिर मैंने 50, 60, 20, 10 रंग तब्दील देखे, और वो रंग जब तक मेरी पलक नहीं झपकी, आँख का डेरा और इसके अंदर तिल हिला नहीं, रंग कायम रहा। जैसे ही वो हिला, डेरा हिला, उसमें तिल भी हिला, तो रंग गायब हो गए सारे। क्यों क्यों गायब हो गए? और आपने और ज्यादा मश्क की तो वो शय जिसको आपने रंगीन किया हुआ है, वो शय गायब हो जाती है। ये तसव्वुफ का पहला सबक है। आप सब हज़रात, सब अल्लाह के बंदे, सब आदम हव्वा की औलाद हैं। बस हमें ये करना है, हमें ये करना है कि एक रंग को एक ही रंग रहने देना है। जो मुमकिन इस तरह है कि आप पलक नहीं झपकेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको, हम सब आदम और हव्वा की औलाद है। क्या मैं ये कह नहीं सकता कि आप जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, सब मेरे भाई है? क्या मैं आदम के रिश्ते से ये नहीं बाप हजरात से कह सकता कि जितने यहाँ खवातीन बैठी हुई हैं वो सब मेरी बहनें हैं? मेरा ख्याल है कोई एक आदमी भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एक से ज्यादा चीजों को देखते हैं, 140 चीजों को देखते हैं, तो हमें अलग अलग सूरतें नजर आते हैं, अलग अलग रंग नजर आते हैं, और आँख के ऊपर जो तिल है, या किसी आप कोई निशानी लगा दीजिएगा, आपको नजर आए तिल जिसके ऊपर अक्स पड़ता है, वो जैसे ही हिलेगा ये सब गायब हो जाएगा। ये आप तजर्बा करें, सब तजर्बा करें, सारे आदम की औलाद। अब कोई ठंडे मुल्क में चला गया, कोई गर्म मुल्क में चला गया वो काला हो गया, कोई मोतादिल मौसम में चला गया उसमें कोई घोड़ा हो गया, कोई गंदुमी हो गया। रंग जो तब्दील हुए हैं वो क्या है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दादा नाना ताया, सारे रिश्तों में हम एक दूसरे के बहन भाई हैं। या फिर आप ये कहेंगे भाई एक आदमी हव्वा की औलाद है, दूसरा आदमी किसी और की औलाद है। हम सब एक हैं, एक बाप की औलाद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एक माँ की औलाद, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। इससे दुनिया की
करोड़ों करोड़ों आबादी आई और यहाँ से चली गई। कोई एक भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारी नस्ल में पहली माँ अम्मा वर, हमारी नस्ल में पहला बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ये ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आपको, क्या आप ये कह सकते हैं कि किसी एक मजहब का आदमी किसी और बाप की औलाद है, दूसरे मजहब का आदमी किसी और बाप की औलाद है, या किसी और नस्ल का आदमी फला जानवर की औलाद है? नहीं, सब एक बाप की एक माँ की औलाद है। नाक आँख नाक, अब ये फर्क जो है, मसलन फर्क होता है नाक नक्शे का, तो फिर वहाँ का जो मौसम है और वहाँ का जमीन का और आसमान का दरमियानी जो फासला है, उसके बुनियाद पर ये तब्दीली नजर आती है। लेकिन भाई, नाक नाक है, आँख आँख है, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता। छोटी आँख भी उसी तरह देखती है, बड़ी आँख भी उसी तरह देखती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और इस सबक को जो मैंने आपको दिया है, ये आप कोशिश कीजिए, 5 मिनट कोशिश करिए कि आँख बस ऐसे रहे, पलक न झपके, यूं ना हो। उसके बाद जो आपकी कैफियत होंगी लाजमन, उन कैफियत को एक कापी में नोट कर लीजिए और ये अमल 21 रोज या 40 रोज करके जो नताएज है रोज के रोज, वो नताएज जिस तरह भी हो मुझे भेज दीजिए या यहाँ मुराक महल में दे दीजिए। मैं फकीर आदमी हूँ और ये इल्म मेरे मुर्शिद ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मैं इंशाल्लाह मैं इस गुत्थी को हल करूँगा इंशाल्लाह। के ये क्या बात हुई कि हम आंखों से, खुली आंखों से देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं, सो जाते हैं, ख्वाब देखते हैं, खाना खाते हैं, मार कुटाई होती है, शादी ब्याह होती है। ये क्या चीज है जब हम सो गए और हमारा फिजिकल बॉडी यहाँ पर वहां पड़ा हुआ है 2 गज दूर, उसकी आंखें बंद हैं, दिल के ऊपर पर्दा आया हुआ है, तो ये हम ख्वाब में, यानी हमें होशवास नहीं है, शौरी, हम हर वो काम कर रहे हैं जो बेदारी में कर रहे हैं। क्या हमें सोते हुए हमारे ऊपर गुसल वाजिब नहीं होता? क्या हमारे ऊपर अगर कोई ख्वाब ऐसा नजर आ जाए कि हमें किसी कीड़े ने काटा है, क्या हम चीख मार के उठ नहीं जाते जबकि उस कीड़े ने नहीं काटा? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं आप सब हजरात को सलाम करता हूँ और वहाँ तमाम मेरे बुजुर्ग की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज करें और मेरे लिए दुआ करें। दुआ क्यों करें? इसलिए करें कि दुआ कबूल करने वाला एक है, अल्लाह, गॉड, भगवान, वो एक है। तो एक से 1 लाख आदमी दुआ कर सकते हैं, 1 से 10 लाख आदमी अपनी बात अर्ज कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं।
और दरख्वास्त की जाती है तो वो कबूल होती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जितने यहाँ बुजुर्ग हैं सबको सलाम। सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इस सफ़र में मेरा रास्ता आसान करे और जो कुछ मेरे मुर्शिद ने मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है वो मैं अल्लाह की तमाम मखलूक इंसान को जहाँ तक मुमकिन हो पहुँचा सकूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।